ओ ये बस चेक करें, बस ऐसे लग रहा है जैसे उलटने वाली है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय न्यू मोटो व्लॉग। तो अभी गाइस रात के हो रहे हैं तकरीबन 8 बज चुके हैं, तो बाइक भी मेरी गंदी हो रही है। तो फिर एक तो बाइक को चेक करना है कि बाइक अभी स्टार्ट होती है फर्स्ट सर्व पे कि नहीं होती, तो ये भी चेक कर लेते हैं और बहुत सारे और चीज़ें चेक करनी है, तो वह रास्ते में आपको बताता हूँ। बाइक जो है माशाल्लाह 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 फर्स्ट सर्व पे जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी ये बाइक बाहर निकालते हैं, फिर अपनी बाइक को निकाल के तो फिर एक गेड़ी जो है समुद्री की वो लगा के आते हैं और देखते हैं समुद्री कैसा लगता है रात वक्त, और बातें शातें करते हैं। तो मेरा जो हेलमेट है ना उसका वाइजर काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है, तो अभी मैं देखता हूँ साफ ही कर लेता हूँ गैरेज से, काफ़ी ज़्यादा गंदा। कल मैं फैसलाबाद आपको पता ही गया था, तो वहाँ पे हो गया था गंदा। एक बार पता नहीं मैंने आपको बताई कि नहीं बताई बाइक के बारे में, तो ये आपको बाइक नज़र आ रही है ना, तो अभी एक मिनट मैं इसकी लाइट्स ऑन कर दूँ, तो ये चेक करें बाइक की जो एक लाइट है वो जल रही है एक नहीं चल रही। तो ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो मैंने खुद इसका ना कहने एक स्टाइल बनाने की कोशिश की है, तो जब मैं लाइट को हाई कर दूंगा ना बाइक की तो तब ये दोनों लाइट जो हैं वो इकट्ठी चलेंगी वरना नहीं चलेंगी। चले हैं जी गाइस, अभी चलते हैं। तो लाइट्स मैंने ऑन नहीं की, तो लाइट्स जो है मैं अभी ऑन कर लूँ, अभी अंधेरे में जा रहा हूँ। तो हाँ अभी लाइट्स जो है मेरी ऑन हो चुकी है। तो गाइस अभी है ना मैं निकला हुआ हूँ, एक तो अपना मोटो व्लॉग सेटअप है वो मैंने चेक करना था, तो कल मैं गया था फैसलाबाद, तो जो मेरा मोटो व्लॉगिंग का सेटअप था ना तो वो हो गया था बिल्कुल ज़्यादा ही ख़राब, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अभी मैंने दोबारा अपना मोटो व्लॉगिंग चेक किया, तो जरा जो मेरा माइक है ना मोबाइल के साथ वो नहीं चल रहा था, तो अभी मैंने मोबाइल को अपने अपडेट किया, तो अभी चल रहा है। तो अभी हम टेस्ट करने के लिए निकले हैं। वैसे जो है ना अभी मैंने अपने वाइजर बंद कर लिया, तो आवाज़ चेक करने के लिए कि अभी आवाज़ कैसे आ रही है और अभी आवाज़ कैसे आ रही है, तो अभी आवाज़ कैसे आ रही है। तो अभी मैं बैठा है वैसे घर से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो जितने भी मैंने ये वाला ब्लॉग रिकॉर्ड किया था ना वो सारा ऑडियो जो थी वो ख़राब नहीं निकली है, तो मैंने कहा चले एक वीडियो तो बनाई थी तो साथ वॉइस ओवर भी डाल के देख लेते हैं। वॉइस ओवर भी मैं हेलमेट से डाल रहा हूँ, तो क्योंकि मेरा हेलमेट भी जो है चेक हो जाएगा कि आवाज़ कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही, तो मुझे उम्मीद है कि आवाज़ अब ठीक आ रही होगी। तो अभी हम निकले हुए हैं, एक तो बाइक चेक करनी थी मैंने जो कि आपने देख लिया कि फर्स्ट सर्व स्टार्ट हो गई है। दूसरी चीज़ जो मैंने चेक करनी थी, अभी मैंने अपने मोबाइल पे ना वाइट एंगल लेंस लगाया हुआ है, तो वो चेक करना था कि वो व्यू कैसा आ रहा है, और दूसरा मैंने अपना जो है मोटो व्लॉगिंग सेटअप चेक करना था, और तीसरा जो है हम रात की राइड के लिए निकले हुए हैं, तो बैटरी भी चार्ज हो जाएगी और आपको समुद्री भी रात के वक्त दिखाएंगे कि समुद्री कैसा है। और एक और चीज़ जो है मैंने चेक करनी थी, तो वो इसकी हेडलाइट्स की जो रोशनी है वो चेक करनी थी कि कितनी ज़्यादा रोशन है। तो अभी हमारा एक ट्रिप है ना वो प्लान हो रहा है, तो देखते हैं कि वो जो ट्रिप है कि प्लानिंग तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। अभी प्लानिंग पे है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो पाए तकमील तक भी पहुँचेगा। तो अभी मेरे जहन में दो बाइक्स हैं, तो एक मेरी 125 और एक ये, तो देखेंगे कौन सी बाइक जो है वो इस प्लान का हिस्सा बनेगी। तो फिलहाल अभी मैं इस बाइक को लेकर निकला हूँ चेक करने के लिए कि क्या इसमें जो हेडलाइट मैंने नहीं डलवाई थी, तो अभी वो भी चेक करने के लिए निकला हूँ कि कितनी रोशनी है। अभी तो मैंने सिंगल लाइट ऑन की हुई है, अभी डबल लाइट भी ऑन करेंगे तो चेक करेंगे कि कितनी ज़्यादा इसकी रोशनी है। अगर तो कम हुई ना फिर इसके अंदर और अपग्रेडेशन करेंगे ताकि हमारे लिए रात के वक्त जो है दिन हो जाए, तो इस तरह की रोशनी हमें चाहिए। तो फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं जी फैसलाबाद रोड, तो यहाँ पे खड़ी जाना खाली पैच आएगा, तो बाइक जो है भगा के देखेंगे, तो थोड़ा सा खिंचा भी मारेंगे बाइक को हल्की आंच पे। तो ये आ गया अड्डा, चले जी गए आगे तक, रोड जो है वो बिल्कुल खाली है। तो अभी लगाते हैं बाइक को खिंचा, तो मेरी बाइक में जो टैंक है पेट्रोल है वो भी थोड़ा ही है फिलहाल, वैसे तो मैंने 1000 का डलवा लिया था। चले जी अभी लगाते हैं यहाँ पर खिंचा अच्छी दिख रहे, चलो भाई। रोक लो आगे से पहले कोई आ जाए, तो अभी हम बाइक को अपनी स्लो कर लेते हैं
वैसे यार बाइक को भगाने का यार मज़ा ना तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। जब से मैंने इसका काम करवाया ना तब से बाइक दोबारा अपनी असल पावर में आ गई है। वो ये बस चेक करें, बस ऐसे लग रहा है जैसे उलटने वाली है। चेक करें आप बस को देखें, बस एक साइड को झुकी हुई है। तो अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की बसेज को ना, तो वो एक साइड को झुकी होती है। तो मुझे आज तक नहीं समझ आया कि ये बसेज एक साइड को क्यों झुकी होती है। या तो इस साइड पर जो इनका कंडक्टर होता है क्या कहते हैं उसे, तो वो लटकाता है, तो वो बहुत ज़्यादा भारी होता है इस वजह से इस तरफ झुकी होती हैं, या क्या मसला है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि बस ना अभी उल्टेगी। तो आगे ट्रक आ गया, यहाँ से तो क्रॉस नहीं कर सकते, इसके नीचे से क्रॉस करने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि डर लग रहा है कि ये बस गई ना यहाँ से उल्टना जाए। या करें चेक करें बस किस तरह उस तरफ झुकी हुई है, तो उस तरफ मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा। ओए मिट्टी। तो उम्मीद है मेरी आवाज़ भी ना बिल्कुल साफ़ सुथरी आ रही होगी और आपको पसंद भी आ रही होगी। तो इस साइड पे कंडक्टर देख रहे हैं कितना भारा इन्होंने लटकाया हुआ है, तो देखते हैं कि बाकी कंडक्टर भारी है कि बस के कोई और इशू है जो इस साइड को। कंडक्टर तो यार हल्का फुल्का सी लग रहा है यार, तो ये पता नहीं क्या मसला है बस को। खैर अभी निकलते हैं आगे, अभी दोबारा आगे जो ना वो खाली रोड आ गई है, तो यहाँ पे एक और खींचा लगाएंगे बाइक को और जो अपनी जो हेडलाइट्स है ना वो दोनों ऑन कर लेंगे ताकि लाइट्स का भी पता चले। तो फिलहाल जो लाइट्स का रिजल्ट है ना ठीक है क्लोज रेंज के लिए, अभी मुझे चाहिए लॉन्ग रेंज के लिए लाइट्स भी। तो उसके लिए अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ तो जो मैंने अपने 1-5 लाइट्स लगवाई हैं वो उतरवा के यहाँ पर लगा दूँ। तो अभी मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सी बाइक जो हमारी ट्रिप का हिस्सा बनेगी, तो फिर वो उस बाइक को फिर थोड़ा सा ना तैयार करेंगे ताकि हमारा जो ट्रिप है तो वो खैर वक्रिय से मुकम्मल हो और यादों वाला हो और अच्छा इंटरटेनिंग हो, आपको भी देखने में मज़ा आए और हमें भी इंजॉय हो वो सफ़र जो भी हो। वैसे कहते अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अभी जो आपको कंटेंट मेरा देख रहा है ना तो वो सिर्फ इसी वजह से हल्का फुल्का सा कंटेंट है कि आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करें तो हमारा चैनल एक दफ़ा ग्रो कर गया ना, तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से कंटेंट देखने को मिलेंगे। और ताकि जब एक बजट होता है ना बंदे के पास, अगर बजट बढ़ जाए बंदे के पास तो फिर वो कंटेंट भी उस तरह का बनाता है, अगर बजट ना हो बंदे के पास तो फिर कंटेंट भी उसी तरह के बनता है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को। तो इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारे पास बजट बढ़े और हम फिर अच्छी सी वीडियोस लेके आए इंशाल्लाह ताला। उम्मीद तो बड़ी है कि हमारा चैनल जो है ना वो ग्रो करेगा, कोशिश जारी है देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने यूटर्न लेके वापस कर लिया भाई। चलिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक चक्कर है ना बाज़ार के अंदर से लगा ले, तो यहाँ पे तो ट्रैफिक अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा है, तो एक चक्कर मैं सोच रहा हूँ बाज़ार के अंदर से लगा लूँ। यहीं से अंदर जाऊँ नहीं, आगे बाज़ार से ना वो अंदर जाते हैं और थोड़ा सा ना पब्लिक रिएक्शन जो है वो देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। बाइक का जो एग्जॉस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा लाउड है, तो अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि आवाज़ जो है ना साफ़ आएगी कि नहीं आएगी, तो चेक करते हैं। चले जी यहाँ से हो जाते हैं बाज़ार इंटर। तो वैसे तो बाज़ार और भी है, ये आजकल जो रात का वक्त होता ना तो ये मेन बाज़ार यही चलता है ज़्यादातर। ये फूड स्ट्रीट कह लें, ये हमारी समुद्री की फूड स्ट्रीट ही कह सकते हैं। तो आगे यार गाड़ी वाले निकल जाए यार, ये बाइक वाले को कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग रही है। नहीं मेडिकल स्टोर पर बाज़ार नहीं जाना था, तो अभी रश कुछ ज़्यादा ही है बाज़ार में। तो यहाँ पर काफ़ी ज़रा नए जो है ना कारोबार भी जो है, ओ भाई साइड तो हो जाओ, साइड तो लो जी देख लो थे सहारता दे लो रक्षा करो थे। तो ये यहाँ से अभी लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरे कैमरे की वजह से मुझे ज़्यादा देखा जा रहा है कि मैंने हेलमेट के ऊपर कैमरा लगाया, या बाइक की आवाज़ जो है उसकी वजह से मुझे देख रहे हैं। लेकिन पब्लिक की जो टेंशन है ना बाइक की तरफ है नज़र आ रही, अभी आप देख लीजिएगा खुद ही। तो वैसे मेरे कैमरे ने ज़्यादा कैच किया नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये सूटते हाल थी। तो अभी फिलहाल चलते हैं घर। चले जी पहुंच चुके हैं घर, अल्लाह का शुक्र है। चले जी गाइस, तो कैसा लगा आपको आज वाला मोटो ब्लॉग जो ऐसा है कि मैंने अभी घर में बैठ के रिकॉर्ड किया। तो वैसे तो मैं रात को निकला था रिकॉर्ड करने के लिए, सारी रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन जो ऑडियो थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। तो अभी मैंने ना माइक जो है दोबारा सेट किया,
तो फिलहाल तो अभी इस तरह चेक किया, तो एक मरतबा दोबारा ना बाइक के ऊपर भी चेक करेंगे कि कितनी ज्यादा एयर नॉइज जो है वो आती है। फिलहाल देखना है कि साउंड कैसा आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको आज वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।